राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजभवन में प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तथा भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम सहित कई को मिलेंगे सम्मान। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांकेर में कहा, देश में नक्सलवाद अब खत्म होने के कगार पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरबा में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रैली को किया संबोधित। और मतदाता जागरूकता के लिए रायपुर में हुई अंतरविभागीय स्वीप क्रिकेट प्रतियोगिता में टीम स्मार्ट सिटी के विरुद्ध पुलिस विभाग की टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं मानसी साहू। नमस्कार, लोकसभा चुनाव पर केंद्रित विशेष समाचार जनादेश में आपका स्वागत है, मैं हूं मानसी साहू। जनादेश यानी देश में हो रहे लोकसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर चुनावी सरगर्मी रफ्तार पकड़ चुकी है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं और जनादेश को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल, साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत क्या है और मौजूदा समीकरण किसोर कर रहे हैं इशारा। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का आज अंतिम दिन रहा। अब 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांकेर में कहा, देश में नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर। और देश भर में बढ़ रहे सामान्य से अधिक तापमान और जारी लू के चलते निर्वाचन आयोग मतदान की तैयारियों को लेकर कर रहा बैठक। और केंद्रीय चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव में जनभागीदारी सुनिश्चित करने पहुंच रहा अंतिम छोर तक, बसे मतदाताओं तक। देश में अलग अलग स्थानों पर बढ़ रहे सामान्य से अधिक तापमान और चल रही लू के कारण निर्वाचन आयोग बैठक कर रहा है। बैठक का उद्देश्य लू के जोखिम को कम करने के उपायों पर चर्चा करना है। इस बैठक में मौसम विभाग के अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में देश के पूर्वी हिस्सों में लू का दौर जारी रहने की उम्मीद है। अगले 4 से 5 दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्वी हिस्से, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का आज अंतिम दिन था। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 94 लोकसभा सीटों पर अब 7 मई को मतदान कराया जाएगा। इस चरण में गुजरात की सभी 26, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 8, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल की 4, गोवा, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव की 2-2 सीट और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कांकेर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी तो अगले 2 साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद बीते 4 महीनों में 90 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। 123 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और करीब 250 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलियों से आह्वान किया कि वे आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, नहीं तो उनका खात्मा तय है। अमित शाह ने कहा कि बीते 10 सालों के दौरान केंद्र में मोदी सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री है जिनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। आज नरेंद्र मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। 5 लाख तक कोई भी मेरा आदिवासी भाई बहन बीमार पड़े इलाज के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है।
और मैं आज कहने आया हूं एक मोदी की गारंटी, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 70 साल के ऊपर के गरीब क्या, पैसे वाला क्या, गांव क्या, शहर क्या, सभी का 5 लाख तक का खर्चा माफ हो जाएगा, ये मोदी का गारंटी। 4 मई को चुनाव के नतीजे आते ही, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही देश भर के सभी वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य का खर्चा आपका बेटा नरेंद्र मोदी उठाने वाला है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सभा में उपस्थित लोगों के बीच कांग्रेस शासनकाल और भाजपा शासनकाल के दौरान किए गए कामों की तुलना की और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना भी साधा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कांकेर में हुई आम सभा के बाद वहां का हालचाल बताने लाइव जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा। हेलो अंकित। अंकित, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस रैली का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है और इस रैली का हमारे जो चुनावी समीकरण है उसमें क्या इम्पैक्ट हमको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मानसी, आज कई मुद्दों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांकेर में बातचीत की। जिस तरह से अगर बात करें तो क्षेत्र की अगर बात करें तो बस्तर क्षेत्र में सबसे जो काफ़ी प्रभावशाली मुद्दा रहता है हर बार नक्सलवाद को आगामी 2 से 3 साल में खात्मा करने का बड़ा दावा उन्होंने किया। अगर उनकी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी आगामी 2 से 3 साल में नक्सलवाद को मुक्त कर दिया गया। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में घर में घुसकर किया गया उसी तरह की स्ट्राइक यहां भी की जाएगी, उन्होंने साफ तौर पर दावा किया। इसके अलावा अगर बात करें तो जो 70 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनके हर तरह के जो कर्जे हैं वो 5 लाख तक के कर्जे माफ़ करने की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा आदिवासियों के हित में जो सरकार ने कदम उठाए, केंद्र सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उन कदमों की जानकारी दी, उन योजनाओं की जानकारी दी और किस तरह इन योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। आगामी जो 25 साल की कार्य योजना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर बताया है कि किस तरह से आगामी 25 साल में केंद्र की सरकार ने कार्य योजना और आगामी 2047 तक किस तरह विकसित भारत जो है उस के लिए काम किया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा किए गए तमाम जो कार्य हैं उनकी भी जानकारी उन्होंने दी। चाहे बात करें आयुष्मान भारत योजना की, प्रधानमंत्री जो योजना है, इसके अलावा आवास योजना है, इस तरह के तमाम जो योजना पर सीधे तौर पर बखान किया। इसके अलावा अगर बात करें मानसी तो पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकार रही है उन पर सीधे तौर पर प्रहार किया है। जिस तरह से अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सीधा उन्होंने निशाना साधा, उनके पुराने जो मामले आ रहे हैं उनका उन्होंने बखान किया, उनके बारे में बोला और साफ तौर पर कई तरह के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। साथ ही साथ जो पूर्व कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही थी उनके और अभी जो 10 साल में काम किए गए हैं उन कामों का भी जिक्र उन्होंने किया, किस किस तरह का फर्क उन दोनों सरकार के कार्य योजनाओं में है, किस तरह के काम उनके द्वारा किए जा रहे हैं और कितनों का फर्क है, इन सभी की जानकारी उन्होंने आज की सभा में दिया। किसी न किसी तरीके से जो साधने की कोशिश है वो यहाँ पर करते हुए आज अमित शाह नजर आए हैं और यहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी है भोजराज नाग उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए हैं। जी जी अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ सारी जानकारियां साझा करने के लिए। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बालोद जिले के हथौद में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राजनांदगांव जिले के मोहत गांव में भी एक आम सभा ली। इन सभाओं में प्रियंका वाड्रा ने केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 न्याय की गारंटी दी है, देश के मतदाता इस पर पूरा भरोसा कर रहे हैं, इसलिए इस बार के चुनाव में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। कौन सी ऐसी सुविधा बनाई है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रदेश में, जो नई नई आपने भाजपा की सरकार बनाई है, कौन सी ऐसी सुविधा बनाई जिससे आपके जीवन के संघर्ष में आपको मदद मिल पाए? इनको लगता है कि लोग 5 किलो राशन का इंतजार करते रहें, 2000 रुपयों का इंतजार करते रहें, 100 रुपये का गैस का सब्सिडी उसके लिए इंतजार करते रहें, क्या ऐसे भारत विकसित होगा?
क्या ऐसे आप आगे बढ़ पाएंगे? कोई रोजगार नहीं, महंगाई को घटाने की कोई बात नहीं, कोई आपको थोड़ा बहुत राशन पकड़ा देता है, कहता है इसी में खुश रह जाओ। ऐसे भारत विकसित नहीं होगा बहनों। भारत को विकसित बनाने के लिए ऐसी स्कीम लानी पड़ेगी जैसी प्रदेश सरकार ने आपके लिए चलाई, और उस तरह की स्कीम कांग्रेस पार्टी आपको गारंटी करके कह रही है कि पूरे देश भर में लागू करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में न केवल विकास कार्यों की बुनियाद रखी बल्कि सामाजिक सद्भाव को कायम रखने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ऐसी स्थिति में देश को एक बार फिर से कांग्रेस को नेतृत्व सौंपने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के लिए रायगढ़ तहसील कार्यालय स्थित निर्वाचन वेयर हाउस से ईवीएम की शिफ्टिंग शुरू हो गई है। 2 कंटेनर ट्रक के माध्यम से केआईटी कॉलेज में और 1 कंटेनर ट्रक से खरसिया विधानसभा क्षेत्र के लिए ईवीएम की शिफ्टिंग की गई है। इसके पहले विधानसभा वार ईवीएम को पृथक किया गया था। इसमें वेयर हाउस में स्थित ईवीएम को जिले के रायगढ़, खरसिया, लैलुंगा और धर्मजयगढ़ विधानसभा के अनुसार आवंटन किया गया। डिप्टी कलेक्टर रेखा चंद्रा ने बताया कि विधानसभा के तहत मशीनों को अलग किया गया है, जिसमें 2 विधानसभा रायगढ़ और खरसिया ईवीएम की शिफ्टिंग की जा चुकी है। फर्स्ट रैंडमाइजेशन कंप्लीट हो गया है। विधानसभा वार वाइज हमने अलग किया है मशीनों को, जिसमें 2 विधानसभा का, रायगढ़ विधानसभा का और खरसिया विधानसभा का कल पेटी शिफ्टिंग हो गया है केआईटी में, गढ़ुमरिया में, और आज है धर्मजयगढ़ का और लैलुंगा का। धर्मजयगढ़ का वहाँ डाइट धर्मजयगढ़ गया है और लैलुंगा का भी अभी ये केआईटी शिफ्ट होगा, क्योंकि हम इसको सेकेंड रैंडमाइजेशन के लिए शिफ्टिंग कर रहे हैं। गौरतलब है कि शहर के केआईटी कॉलेज में ईवीएम पहुंच चुकी है, वहीं धर्मजयगढ़ और लैलुंगा के लिए भी ईवीएम मशीनें भेजी गई हैं। आम चुनावों में जनता की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाती है। केंद्रीय चुनाव आयोग इस जनभागीदारी को सुनिश्चित करने अंतिम छोर तक बसे मतदाताओं तक पहुँच रहा है। आइए जानते हैं एक रिपोर्ट। बात चुनावों की करें तो भारत पूरी दुनिया में अनूठा है। यहाँ का लोकतंत्र जीवंत है, गतिशील है और सक्रिय भी। चुनावों में लोगों की सहभागिता इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन इलाकों में जहाँ पहुँच पाने का कोई रास्ता नहीं, सवारी नहीं, वहाँ भी लोग वोट डालने पहुँचते हैं। इसकी पूरी चिंता और मुकम्मल व्यवस्था करता है चुनाव आयोग। 18वीं लोकसभा के लिए चल रहे आम चुनावों का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। देश ने चुनावों की सैकड़ों तस्वीरें देखी। इन तस्वीरों से अलग संसद टीवी के पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको इस देश के प्रति, हर एक मतदाता के प्रति और लोकतंत्र के प्रति गहरे विश्वास से भर देंगी, साथ ही चुनाव आयोग के प्रति धन्यवाद के भाव से भी। आपको लिए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। दिखाएंगे आपको प्रदेश के एक ऐसे बूथ की तस्वीर जहां सिर्फ एक वोट डाला जाता है। है ना खास बात। बताते चलें कि अरुणाचल में आम चुनावों के साथ साथ विधानसभा के लिए भी वोट डाले गए हैं। इलाके की बसाहट के हिसाब से यहां दूर दराज के इलाकों में लोग बसे हैं। ऐसे दुर्गम स्थानों पर पोलिंग स्टेशन की स्थापना करना एक बड़ी चुनौती रहती है। अरुणाचल प्रदेश में मालोगाम नाम का एक यूनिक पोलिंग स्टेशन है जहां सिर्फ एक महिला वोटर है। जी हां, सिर्फ एक महिला वोटर। चुनाव आयोग के लिए यह एक चुनौती भी है और बड़ी उपलब्धि भी। मालोगाम पोलिंग स्टेशन अंजाव जिले की ह्यूलियांग विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। यह गांव सड़क मार्ग से लगभग 8 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसा है। चुनाव आयोग हर चुनाव के दौरान यहां एक पोलिंग स्टेशन स्थापित करता है। चुनाव आयोग यहां पोलिंग पार्टी भेजता है। बाकी की तमाम व्यवस्थाएं भी की जाती हैं। भारत का यह अनूठा पोलिंग स्टेशन डेमोक्रेसी एट द डोर स्टेप और एवरी वोट मैटर्स का सबसे बड़ा प्रतीक है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमारे लोकतंत्र को जीवंत और अनूठा बनाती हैं।
आम चुनावों के बीच लोकतंत्र की यात्रा जारी है। हम समय समय पर आपको यूनिक पोलिंग स्टेशंस की ऐसी और तस्वीरों से रूबरू कराते रहेंगे। यह दर्शाता है कि हमारे देश में हर एक वोट का महत्व है और चुनाव आयोग सुनिश्चित करता है कि देश का हर नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल ठीक से कर पाए। इसी के साथ आज का विशेष बुलेटिन जनादेश समाप्त हुआ। नमस्कार।